कोरोना के खिलाफ जंग में वित्तीय सिस्टम मजबूती के साथ खड़े रहे, इसके लिए रिजर्व बैंक ने आज कई बड़े कदमों का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के जरिए सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपए डालने का ऐलान किया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि इस रकम का आधा हिस्सा छोटी एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को दिया जाए ताकि उनकी नकदी की दिक्कतें दूर हों। इसके अलावा नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी को भी 50,000 करोड़ दिए जाएंगे। इससे रियल एस्टेट और एमएसएमई को फायदा होने की उम्मीद है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 4.5% की कटौती की है ताकि बैंक्स आरबीआई के पास ज्यादा पैसा न रखें और बैंक सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे। The funds availed by the banks under TLTRO 2.0 should be invested in investment grade bonds, commercial paper and non-convertible debentures of NBFCs, with at least 50% of the total amount availed going to small and mid-sized NBFCs and MFIs. So therefore the emphasis will be to see that there is adequate flow to the mid-size and the small NBFCs as well as to the MFIs. It has been decided that in respect of all accounts for which lending institutions decide to grant moratorium or deferment and which were standard as on 1st March 2020, the 90-day NPA norm shall exclude the moratorium period. That is, there would be an asset classification standstill for all such accounts from 1st March to 31st May 2020. और हमारे सहयोगी अनुराग शाह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये माने हम कि इकोनॉमी को तो इससे मजबूती मिलेगी मिलेगी, इसके साथ ही जो नौकरियों को लेकर संकट है या जॉब क्रिएशन को लेकर बहुत सारी बातें हैं, उन सबको एक बड़ा बूस्ट इन सारे ऐलान से। देखिए, दूसरा स्टिमुलस आज आरबीआई गवर्नर ने ये दूसरा पैकेज दिया है जिसका मकसद यही है कि सिस्टम में लिक्विडिटी बने, क्रेडिट फ्लो से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो और फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसमें उसको कम किया जा सके। तो सबसे पहली चीज जो इसमें की गई है कि जो रिवर्स रेपो है उसमें 4.5% कम कर दिया है। जो बैंकें पैसा आरबीआई के पास रखती थी तो उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहता आरबीआई और वो पैसा सिस्टम में जाए, लिक्विडिटी की जो दिक्कत है वो दूर हो। इसके अलावा जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन है वहां पर 50,000 करोड़ रुपया आरबीआई की तरफ से डाला जाएगा और ये जो है इसके आधी पूंजी जो है वो एनबीएफसी और छोटी जो एमएफआई है उनको दी जाएगी। तो ये एक बड़ा ऐलान है एनबीएफसी के लिए। इसके अलावा जो एक और ऐलान किया है कि जो अकाउंट क्लासीफाई हो रहे थे एनपीए के लिए एक मार्च के बाद से, तो अब उनको एनपीए क्लासिफिकेशन ये जो मॉरिटोरियम का 3 महीने का पीरियड है उसमें नहीं माना जाएगा। 90 दिन की जो मियाद दिन अकाउंट SMA 1 SMA 2 अकाउंट के अंदर थी तो वहां उन अकाउंट को अब एनपीए कैटेगरी में नहीं माना जाएगा क्योंकि पहले से ही उन कारोबार के ऊपर मार थी और इस दौरान लॉकडाउन के दौरान उन पे और मार लग गई। तो ये कहीं ना कहीं उन सब कारोबार के लिए एक राहत की खबर है कि ये जो मॉरिटोरियम का पीरियड है उसमें जो अकाउंट एनपीए क्लासीफाई नहीं होंगे। इसके अलावा एक और जो राहत दी गई है रियल स्टेट को, आपको याद हो तो फरवरी की आरबीआई पॉलिसी में जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक थे वहां से जो लोन लेते थे रियल स्टेट कंपनियां उनको रिस्ट्रक्चर नहीं करने की बात कही थी, 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट है कॉमर्शियल ऑपरेशंस का तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया था और उसमें डाउन एसेट क्लासिफिकेशन डाउनग्रेड नहीं करने को कहा गया था। तो ये जो नियम है अब एनबीएफसी पे भी लागू होंगे तो ये कहीं ना कहीं रियल स्टेट सेक्टर और एनबीएफसी दोनों के लिए राहत की खबर है। इसके साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ कहा है कि ये जो दूसरी बार उन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिया है लेकिन जैसे जैसे वो स्थिति को देखते जा रहे हैं और आगे चलकर और भी कई सारे जो ऐलान है वो आरबीआई की तरफ से दिए करे जाएंगे। इसके अलावा नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी दी जाएगी जो सिस्टम के अंदर डाले। तो ये तमाम जो बड़े ऐलान है आरबीआई गवर्नर के द्वारा किए गए जिससे कहीं ना कहीं क्रेडिट फ्लो, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस की जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए और बहुत विस्तृत तरीके से आपने बताया कि किस तरह से नकदी का जो संकट है और इकॉनमी पर जो बेचैनी है उन सबको एक तरह से करार मिलेगा। इधर
कोरोना संकट से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर को राहत के लिए जल्द ही बड़े ऐलान होने वाले हैं और ये ऐलान बहुत अहम है। आपको बता दें कि इस सब को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और एमएसएमई को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स तैयार है और इसके साथ ही एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड्स बिल्कुल तरीके से तैयार है और इसका ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्रालय से फंड ऑफ फंड्स को मंजूरी मिल चुकी है, यानी एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। कोरोना संकट से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए, उसे एक मजबूती प्रदान करने के लिए जल्दी बड़े ऐलान होने वाले हैं। 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड तैयार किया गया है और क्या है पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता चेतन भूटानी। चेतन, बताएं क्या तैयारी है फंड ऑफ फंड्स को लेकर एमएसएमईज को एक मजबूती देने के लिए। जी बिल्कुल, अभी अभी नितिन गडकरी एक घंटा पहले लगभग एमएसएमई इंडस्ट्री को एड्रेस कर रहे थे, जहां पे वो उनके सजेशंस और फीडबैक ले रहे थे कि क्या क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। उसमें नितिन गडकरी ने इंडस्ट्री बॉडी को ये बोला कि आप लोग ज्यादा चिंता ना करें क्योंकि सरकार इस पे वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। और ये बताया कि 10,000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स वो बनाने जा रही है जिससे इमीडिएट लिक्विडिटी इश्यूज जो एमएसएमई सेक्टर को मिलेगी वो उसमें राहत मिल जाएगी। ये 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स जो बनेगा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया, नितिन गडकरी ने बोला, और कैबिनेट अप्रूवल इसमें आएगा। इसमें बेसिकली होगा क्या कि ये अच्छे अच्छे जो एमएसएमईज हैं, जो बहुत क्रेडिबल एमएसएमईज हैं, उनको ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग मिल जाएगी, जो जिनके चलते लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा कि सरकार एमएसएमईज को 15% इक्विटी सपोर्ट देगी जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, उसमें से 50% जो इक्विटी मार्केट से रेज करेंगे एमएसएमई, उसमें भी सरकार एमएसएमईज की मदद करेगी। अब सरकार को एक और चीज करनी है कि वो डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी एमएसएमईज की, ताकि उनके लिए लोन लेना, सैलरी पे आउट करना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का प्रोक्योरमेंट इश्यूज जो भी फेस कर रहे हैं, ताकि वो एसेंशियल कमोडिटीज में आ जाए और लॉकडाउन के भी चलते उनको इश्यूज ना फेस करने पड़े। तो सरकार डेफिनेशन चेंज करेगी एमएसएमईज की, अंडरस्टैंडिंग चेंज करेगी और ये ऑर्डर 5-6 दिनों में आ जाएगा। मेरे सोर्सेज के हिसाब से अभी अगले 10-15 दिन में कैबिनेट अप्रूवल का हो जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़ इमीडिएट रिलीज हो जाएंगे और एमएसएमई के फंड ऑफ फंड्स में चले जाएंगे, जिससे एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा बूस्टर शॉट मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चेतन आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,000 नए केसेस सामने आए हैं। 23 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13,387 हो गई है, जिनमें 1,749 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 437 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 260 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, ये एक दिन में ठीक होने वालों में सबसे बड़ा आंकड़ा अब तक का है।